Hello everyone, my name is Sonali and I am here to teach you social studies for class 3. So before heading to chapter, let me ask you a few of the questions. The first question is, how many total members live in your family? Matlab, aapke parivar mein total kitne log rehte hain? Second question is, do you have any siblings? If yes, then count them. Matlab, aapke ghar mein kitne aapke bhai bhai rehte hain? Third question is, do you live with your grandparents? आप अपने family में अपने grandparents के साथ रहते हैं या नहीं? I hope you will answer all these questions by yourself. So अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितने question पूछे गए हैं वो सब आपकी family से related पूछे गए हैं. So by now you might have guessed कि अभी जो हम chapter बात करेंगे वो chapter होगा आपकी family से related. So the name of the chapter is Families. So it is chapter 2 of your textbook and the name of the chapter is Families. Okay, family hum sab jante hain parivar jinke sath hum rehte hain. The topics we will cover in this chapter. Is chapter mein hum jo topics cover karenge jinke bare mein hum baat karenge usme sabse pehla topic hai different types of families. Matlab families kitne tarah ki hoti hain. Second topic is working parents. Matlab aapke parents kaam karte hain unke bare mein hum baat karenge. Third topic is how a family grows and changes. मतलब एक family कैसे बढ़ती है और बदलती है, ठीक है? तो we will first talk about our first topic. That is different types of families. हम सब अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, हम सब एक घर में रहते हैं, एक परिवार के साथ रहते हैं. कुछ की फैमिली बहुत बड़ी होती है, कुछ की फैमिली बहुत छोटी होती है, राइट? आप अपने घर में भी देखिए आपके घर में कितने लोग रहते हैं और आपके फ्रेंड के घर में कितने लोग रहते हैं. कुछ की फैमिलीज में हम देखते हैं कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नानी नाना दादा दादी इन सब के साथ रहते हैं और उनके मम्मी पापा और वो लोग रहते हैं, तो वो हो गई हमारी एक बड़ी फैमिली. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जिसमें उनके मम्मी पापा होते हैं और वो खुद होते हैं. थर्ड आते हैं वो लोग जहाँ पे या तो उनके साथ बच्चे तो होते हैं लेकिन उनके साथ या तो मम्मी रहती है या तो पापा रहते हैं. सो विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली. द फर्स्ट टाइप ऑफ द फैमिली इज जॉइंट फैमिली. सो फैमिली ठीक है. जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन क्या हुई? अ फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव. एक ऐसी फैमिली जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स और बच्चे एक साथ रहते हैं, ठीक है? आप रहते हैं, आपके मम्मी पापा रहते हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं. दूसरी डेफिनेशन क्या हुई जॉइंट फैमिली की? एक ऐसी फैमिली जहाँ पे दो जनरेशन से ज़्यादा के लोग रहते हैं. नाउ द टर्म इज जनरेशन हियर. सो डेफिनेशन ऑफ जनरेशन इज कि वो लोग जो एक वक्त पे पैदा होते, जैसे आपकी बहन okay.
ठीक है, जनरेशन का मतलब क्या हो गया, वो लोग जो एक वक्त में पैदा होते, जैसे अगर आप और आपकी बहन एक जनरेशन के हुए, माना आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ अलग होगा लेकिन आप लोग एक जनरेशन के माने जाएंगे, वैसे ही आपके पेरेंट्स भी एक जनरेशन के होंगे और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी एक जनरेशन के माने जाएंगे, ठीक है। तो वो एक जनरेशन, जनरेशन का हिंदी क्या होगा, पीढ़ी, ठीक है। तो वो लोग जो एक वक्त में पैदा होते हैं उन्हें हम जनरेशन बोलते हैं, जैसे आपके भाई और बहन हो गए, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली कैन, अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले आ गए आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दूसरे आ गए आपके पेरेंट्स, तीसरे आ गए आप, ठीक है। वो फैमिली जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे एक साथ रहते हैं एक ही घर में, उसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर फैमिली। सेकेंड टाइप ऑफ फैमिली इज न्यूक्लियर फैमिली। सो अ फैमिली कि न्यूक्लियर फैमिली किसे बोलेंगे, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ दो जनरेशन के लोग एक साथ एक घर में रहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं आपके पेरेंट्स और आप, ठीक है, जिस फैमिली में सिर्फ दो जनरेशन के लोग एक साथ रहते हो, आप और आपके पेरेंट्स, ठीक है, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज योर सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली किसे बोलेंगे, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे या तो सिर्फ पापा रहते हैं बच्चों के साथ या फिर सिर्फ मम्मी अपने बच्चों के साथ रहती है, उसे हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे। सिंगल का मतलब ही होता है अलोन, या ठीक है। तो ऐसी फैमिली जहाँ पे या तो सिर्फ पापा बच्चों के साथ रहते हैं या फिर मम्मी अपने बच्चों के साथ रहती है। सो दिस वॉज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज हैं, उसके बाद आपने किया पहला हुआ जॉइंट फैमिली, दूसरा हुआ न्यूक्लियर फैमिली, एंड तीसरा हुआ आपका सिंगल पेरेंट फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखा, उसमें हमने देखा कि तीन टाइप ऑफ फैमिली, तीन टाइप की फैमिली होती है, पहली हुई जॉइंट फैमिली, दूसरी हुई न्यूक्लियर फैमिली, तीसरी हुई सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है। जॉइंट फैमिली में कौन कौन आते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं और आप खुद आते हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली किसे बोलेंगे, फैमिली इन विच ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन एन होम इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किसे बोलेंगे, इसमें आपके पेरेंट्स आएंगे एंड
इसमें आप आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली इज द फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। सिंगल पेरेंट फैमिली, मॉम और डैड एंड चाइल्ड। ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली उन्हें बोलेंगे जिसमें या तो मम्मी या पापा दोनों में से एक अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उसे हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे। न्यूक्लियर फैमिली उन्हें बोलेंगे जिसमें बच्चे और उनके मम्मी पापा एक साथ रहते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। थर्ड इज जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, आप, आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी या नानी नानी एक साथ रहते हैं, उन्हें हम जॉइंट फैमिली बोलेंगे। सो दिस वॉज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने तरीके की फैमिली होती है। So the next topic we will discuss later. Thank you.